श्री हरगोबिंदपुर साहिब से विधायक बलविंदर सिंह लाडी के घर के सामने दिया धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ श्रिया गुप्ता। आंगनवाड़ी वर्कर पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं। श्री हरगोबिंदपुर साहिब से कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी के घर के बाहर धरना दिया। बटाला में पंजाब सरकार के विरोध में और विधायक बलविंदर सिंह लाडी को एक खूनी पत्र लिखा। हाँ जी, मैं श्रीमती रंजीत कौर ब्लाक प्रधान बटाला। असी इन्हां मंत्रियों नूं, क्योंकि साडे कैप्टन साहब ते सानूं टाइम नहीं दे रहे, साढ़े चार साल साडे भैन जी बहुत बारी चंडीगढ़ जाके आए आ ते नहीं मिलते। असी इन्हां विधायकां दे बूहियां दे अगे अज्ज बह के खून नाल मंग पत्र लिखे ने, लिख के इन्हां नूं दवांगे, क्योंकि साडे विधायक ने, असी इन्हां नूं वोटां पा के चुणिया सीगा। इह विधायक साडे मंग पत्र सानूं असी तां लिखे ने क्योंकि साडा थोड़ा बहुत खरे साडे खून नाल लिखे पत्र दे ही कैप्टन दा मन पिघल जावे ते साडे मंग पत्र विधायक जिहड़े सरदार बलविंदर सिंह लाडी उत्थे पहुंचाउणगे उहनां नूं, ते साडे थोड़ा मन नूं पहचावा जा हो जाएगा। और अगे इस तों ना मन्नी सरकार ने, ते फिर असीं 1 अगस्त तों 3-4 दिन दी लगातार मंत्रियां दे दरवाजिआं दे अगे भुख हड़ताल फिर जारी करांगे। साडे संघर्ष इस तों अगे वी ज़्यादा तेज़ होणगे। MLA ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। मेरा नाम हरगोबिंद कौर है, मैं आल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन की प्रधान है, आंगनवाड़ी इंपलाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया की कौमी प्रधान है। असी अज जिहड़ा बटाले दे ते श्री हरगोबिंदपुर के हल्कियां दी आंगनवाड़ी वर्कर है, उस विधानसभा हल्के दे MLA है, असी बलविंदर सिंह लाडी उन्हां दे घर के सामने भुख हड़ताल से बैठे हैं, ब्लड नाल लिख के मंग पत्र दे रहे हैं। ये भुख हड़ताल साड़ी 5 जुलाई तो हर MLA जो कांग्रेस का उन्हां दे घर के सामने असी कर रहे हैं। असी MLA दे घर इस करके चुने हैं क्योंकि असी जिहड़ियां साड़ियां वर्कर है इन्हां दीआं वोटर है, वोटां पाईआं इस हल्के दे विच घट तो घट 20,000 आंगनवाड़ी वर्कर हैल्पर है जिन्हां ने इन्हां नूं वोट दित्ती है, हर हल्के 'च वोट वर्कर हैगीआं। असी इन्हां नूं इह कहिण वास्ते आए हैं कि तुसीं साडे घरां 'च जा के वोटां मंगीआं, पर तुहाडे बिहाफ ते बणी सरकार जिहड़ी अज्ज साडी गल नहीं सुण रही, साडे भत्ते कट्टे जा रहे है, साडे बच्चे खोए जा रहे है, तो असी तुहानूं कहिण आए हैं कि असी ब्लड नाल लिख के मंग पत्र दे रहे हैं, जे साडीआं मंगां पूरीआं ना होईआं ते साडी वोट की झाक नहीं करनी तुसीं, असी तुहानूं वोट नहीं मंगा। तो मैं असी यही समझ सारा मुलाजम तबका या हर कोई ये समझता है कि जिनी देर चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट के प्रति जवाबदेह नहीं हुंदा, संवेदनशील नहीं हुंदा, उन्नी देर किसी की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि जिहड़ियां साडियां मंगां फाइनैंस नाल जुड़ियां होईआं, जे साडे मिनिस्टर मीटिंग लैंदे उहनां कोले कोई अधिकार ही नहीं हैगा कि फाइनैंस की गल कर सकन। जदों मुखी का ध्यान अपने टब्बर वल नहीं हैगा, अपने घर वल नहीं हैगा, तो बच्चे तो न्याणे सारे रोणगे। किन्नी देर तक चलेगी? 3 बजे तक का टाइम हैगा जी, ये सारा हर थां ते जिवें अज गुरदासपुर दे विच वी चल रही हैगी है, 3 ब्लाकां च कल एक थां सी, 3 च कल एक थां सी, इस तरह करके असीं पूरे पंजाब नूं हर थां ते कवर कर रहे हैगे आ कि हर MLA जिहड़ा कांग्रेस दा सी उहदे घर दे सामने जा रहे आ। प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की, लेकिन उसके बाद भी विधायकों ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए आज उन्होंने विधायक बलविंदर के घर के सामने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना दिया और विधायक को एक खूनी पत्र सौंपा, ताकि उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जाए और आंगनवाड़ी वर्करों का वेतन बढ़ाया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट, गुरदासपुर।